जम्मू कश्मीर के लोगों ने 10 साल इंतजार किया कि कब विधानसभा के चुनाव हो और कब जम्मू कश्मीर में जो है सरकार बने। आज मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर को नया सीएम मिल चुका है, डिप्टी सीएम मिल चुका है, कुछ मिनिस्टर्स मिल चुके हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज कुछ देर पहले जो है वो ओथ ली। ओथ सेरेमनी की अगर बात करें तो बड़े बड़े लीडरान जो है वहां पर पहुंचे थे, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें या फिर अन्य और किसी पार्टी के जो बड़े लोग नेता थे वो वहां पर पहुंचे थे। और सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम की शपथ जो है सुरेंद्र चौधरी जी ने ली। जी हाँ, अगर सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो आप सब जानते हैं कि नौशहरा से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां पर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना को जो है उन्होंने हराया। और उसके बाद किसी को शायद ये नहीं पता था कि सरकार जो है जब बनेगी तो सुरेंद्र चौधरी जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ जो है वो ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सकीना इतू जो कि डीएच पोरा से जो है विधायक है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने शपथ ली है जो मंत्रालय की मंत्री की। और उसके बाद जावेद अहमद राणा जो कि पुंछ मंडल से हैं, उन्होंने मंत्री की शपथ ली। उसके बाद जावेद अहमद दार जो कि रफियाबाद सीट से जो है चुनाव जीते हुए हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और उसके बाद सतीश शर्मा, जी हाँ, कहीं ना कहीं जम्मू वालों के लिए ये नाम जो है बड़ा ही एक चर्चाओं में रहा। सतीश शर्मा जो कि मदनलाल शर्मा के सुपुत्र है, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है मदनलाल शर्मा रहते थे, और उसी के बीच उनको टिकट जो है सतीश शर्मा को वहां से नहीं ली। और जब भी सतीश शर्मा से बात होती तो उनका कहना था कि मेरे जो प्रशंसक है, मेरे जो चाहने वाले हैं छम कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़िए। पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना और कहीं ना कहीं अपने पिता का नाम जो है जो आगे बरकरार रखा, उनका नाम रोशन किया, मदनलाल शर्मा जी के बेटे जो है वहां से छंब से जो है वो चुनाव जीता उन्होंने, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना समर्थन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, यानी कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने जा रही थी और उन्होंने अपना समर्थन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। और सतीश शर्मा को भी यहां पर जो है मंत्री चुना गया और सतीश शर्मा ने भी मंत्री पद की जो है आज शपथ ली। और यह भी बताया जा रहा है कि चंब में इस समय जो है खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी बात है, बड़ा ही जुझारू ये नेता है, लोगों के बीच रहा, काफी देर लोगों की सेवा की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर आजाद उम्मीदवार अगर आप चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जीत हासिल करते हैं तो एक बड़ी बात रहती है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर दो नाम जो है, अगर बात की जाए सुरेंद्र चौधरी की डिप्टी सीएम का जो शपथ ली, उसके बाद सतीश शर्मा जो चंब कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते थे उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि चंब के लोग जो है बेहद उत्साह है। 10 साल लोगों ने जो है इंतजार किया कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे, चुनाव भी हो गए, आज जो है सीएम भी जम्मू कश्मीर को नया मिल गया, डिप्टी सीएम भी मिल गया। मैं आपको बता दूं उनके साथ साथ ही चार जो है मंत्री भी मिल गए। पर आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कुछ मंत्री कम क्यों हुआ, तो मैं आपको ये भी बता दूं जो सूचना मिल पा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ दो मंत्री जो लेने थे उनका ये कहना था कि जब तक स्टेट हुड का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा तब तक वो मंत्री पद की शपथ जो है वो नहीं लेंगे। पर यहां पर जो मंत्री बने हैं एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं, सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो नौशहरा से चुनाव जीते हुए हैं, सकीना इतू जो कि डीएच पोरा से चुनाव जीती हुई है, जावेद अहमद राणा पुंछ मेंढर से चुनाव जीते हुए हैं, जावेद अहमद दार रफियाबाद सीट से चुनाव जीते हुए हैं, और सतीश शर्मा इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हुए हैं चंब कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जो है जरूर रखिएगा। पर एक चीज मैं आपको जरूर बता देता हूं कि आज जम्मू कश्मीर को नया सीएम और नया डिप्टी सीएम मिल चुका है। फिलहाल बने रहे यूं ही हमारे साथ नए अपडेट के लिए। नमस्कार।